हेलो स्टूडेंट, क्लास थ्री के बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण की किताब से आपके व्याकरण की किताब से एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, विराम चिन्ह। यह विराम चिन्ह एक्सरसाइज 22 में है। अब आप देखिए इसको, यह विराम चिन्ह क्या है। विराम चिन्ह क्या है कि वाक्य बोलते या लिखते समय रुकने के लिए जिस चिन्ह का उपयोग या प्रयोग करते हैं उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य बोलते या लिखते समय रुकने के लिए जिस चिन्ह का उपयोग या प्रयोग करते हैं उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। ये विराम चिन्ह होता क्या है? रुकते हैं, वाक्य बोलते हैं, रुकते हैं, लिखते हैं, रुकते हैं, ये क्या है? ये शब्दों को आप सबसे पहले समझिए। तो जब कभी कोई वाक्य आप किसी को बोलते हैं, दैट मीन्स कि आप अपने भाव को जब एक बार बोलते हैं, एक सांस में बोलते हैं, तो उसमें आपको लगता होगा कि वाक्य में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा रुकने का जगह ज़रूरत पड़ता है। तो जैसे ही रुकने की अवस्था आती है, शब्द को बोलने के क्रम में भाव को स्पष्ट करने के लिए जब आपको रुकना पड़ता है तो वहाँ एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद उदाहरण में आ जाइए, तो विराम चिन्ह के उदाहरण तो बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं। अब देखिए बारी बारी से एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप बोलते हैं राम जाता है, मोहन ने मुझे मारा है। अब देखिए राम जाता है, एक बात बोल दी। अब इसके बाद तो आपके पास कोई सेंटेंस नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई भाव नहीं है, तो आप क्या करते हैं? एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये जो चिन्ह है, यहाँ देखिए मोहन ने मुझे मारा है, ये सेंटेंस एक भाव खत्म हो गया, एक सेंटेंस। तो यहाँ पर जो ये चिन्ह है जो गोले के अंदर में हम अभी घेर रहे हैं, ये जो आपका चिन्ह है वाक्य के ख़त्म होने के बाद, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? तो इस चिन्ह को कहते हैं हम पूर्ण विराम। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? यह है पूर्ण विराम, पहला पूर्ण विराम हो जाता है। अब इसके बाद अब देखिए, तो अब इसमें तो एक सेंटेंस था, एक ही सेंटेंस में वाक्य में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा रुकना पड़ जाता है। जैसे राम, मोहन, सोहन और गीता खेल रहे हैं। अब देखिए यहाँ है राम, मोहन, सोहन और गीता। तो राम के बाद थोड़ा सा हम रुकते हैं, मोहन के बाद हम थोड़ा सा रुकते हैं। तो जहाँ जहाँ थोड़ा रुकते हैं तो वहाँ हम एक छोटा सा ऐसा चिन्ह लगाते हैं। अभी चूँकि इसके बाद इसलिए नहीं लगाते हैं कि यहाँ और लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये और ये, लेकिन इसके बीच में तो कुछ नहीं है, इसके बीच में तो कुछ नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पर रुकना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर इस चिन्ह को लगावेंगे। और यह जो चिन्ह है आपका शब्दों के बीच में, इसको हम कहते हैं अल्प विराम। क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। अब इसके बाद आता है तीसरा, मान के चलिए। अब जैसे कहते हैं उसने क्या देखा है। अब देखिए उसने क्या देखा है एक सेंटेंस है, लेकिन ये क्या है? क्या का मतलब क्या हो जाता है? फिर यह एक प्रश्न हमसे पूछ रहा है। तो जब ऐसा दिखाई दे तो यहाँ पर पूर्ण विराम ना होकर के प्रश्न सूचक चिन्ह दिया जाता है। ये जो चिन्ह है इसको हम लोग प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह। अब इसके बाद फिर आपको मैं कल दूसरे दिन दूसरा इसी चैप्टर का आगे की बात को बताऊंगा। इसमें और भी कई चिन्ह हैं, तीन मैंने आज बता दिया है, तीन चार और हैं, ये कल मैं आपको बताऊंगा।